अगर आप चाहें तो आप भी एक्सेल में एक साथ दो दो चार्ट्स बना सकते हैं। वो किस तरीके से होगा, कोई भी डेटा आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद इंसर्ट पर जाकर आप कोई भी कॉमनली कॉलम चार्ट या बार चार्ट बना सकते हैं। आपने कॉलम चार्ट बना लिया, कॉलम चार्ट बनाने के बाद इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, जिससे स्क्रीन पर पूरी तरीके से विजुलाइज हो जाए। और यहाँ पर चेंज चार्ट टाइप पर जाकर आप डायरेक्टली यहाँ जो चार्ट टाइप की विंडो खुलती है, इसमें कॉम्बो चार्ट आता है, और कॉम्बो चार्ट में से आप कोई भी यहाँ पर दो चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला हमने लिया है, जैसे मान लीजिए कॉलम चार्ट लिया है, और दूसरा मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर लाइन चार्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप अमाउंट के लिए भी कुछ और ले सकते हैं, तो यहाँ भी किसी भी तरह का चार्ट आप डिस्प्ले करा सकते हैं। हमने एक्स वाई स्कैटर चार्ट लिया, और ये बेसिकली कॉम्बो चार्ट में तीन चार्ट हम मिक्सअप करें तो ओके करेंगे। तो यहाँ आपको देखिए स्कैटर चार्ट के पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, प्लस लाइन चार्ट दिखाई दे रहा है, और कॉलम चार्ट भी आपको दिख रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस कर जरूर करें।